हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट टाइम पजल की बात की थी, सो आज के दिन हम लोग देखते हैं पजल का सॉल्यूशन। सो लेट्स सी व्हाट इज पजल सॉल्यूशन फॉर टुडे इज। सो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन, लेट मी जस्ट रीट्रेड द क्वेश्चन फॉर यू। सो क्वेश्चन सेज देयर वाज वन फार्मर, एक फार्मर होता है जो कि मार्केट में जाता है कुछ एनिमल्स परचेज करने। उसको एक हॉर्स की कीमत जो होती है वो होती है $10, एक गोट की कीमत होती है $1, एक डक्स की कीमत होती है $1, राइट? दैट कंज्यूम्ड द बंच बेसिकली। सो एक बंच की कीमत होती है $1 फॉर डक्स। देन क्वेश्चन वाज ही नीड टू स्पेंड $100 एंड ही नीड टू परचेज 100 एनिमल्स, राइट? एग्जैक्ट 100 एनिमल्स ही नीड टू परचेज एंड एटलीस्ट वन एनिमल पर टाइप ही नीड टू परचेज एज वेल। या सो यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी डक्स, हॉर्स एंड गोट ही नीड टू परचेज टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल सी या तो हम एक्सेल बना सकते हैं या फिर हम इक्वेशन बना सकते हैं। वी कैन जस्ट क्रिएट द इक्वेशन। सो वी विल जस्ट सी व्हाट कैन बी द इक्वेशन। आपको कुछ चीजें भी नोट करनी है, आपको कुछ चीजें भी समझनी है कि जैसे एक हॉर्स $10 का है तो इसका मतलब वो 10 से ज्यादा हॉर्स नहीं खरीद सकता अगर वो सारे हॉर्स खरीद रहा है, बट दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ही कैन परचेज लेस less than 10 horse if he want to fulfill the criteria, we are sure, right? He can purchase 100 goats, but at max, अगर वो एक ही केवल goat ही खरीद रहा है, but that will also not fulfill the criteria, so it has to be like at least इसको 90 से कम या 100 से कम इसको goats खरीदनी पड़ेगी। So there are lot many criteria we need to check. So first we are going to create the equation, बाकी हम बाद में setting देखते हैं। So equation will be like हॉर्स है इसके पास, राइट? तो हम मान लेते हैं कि एच हॉर्स खरीदता है, नंबर ऑफ हॉर्स जो ये खरीदेगा वो एच है। ए की कीमत 10 है तो एच नंबर की कीमत 10H हो जाएगी, ओके? हम मान लेते हैं कि जी नंबर ऑफ गोट खरीदता है, ए की कीमत 1 है तो जी नंबर जी गोट्स की 1G हो जाएगी। देन ये कुछ डक्स खरीदता है, 8 डक्स की कीमत जो है वो 1 रुपीज है, यानी हम मान लेते हैं 8 डक्स की कीमत अगर 1 रुपीज है, इसकी जो कीमत यानी 8 डक्स की कीमत 1 रुपए है, यानी एक डक की कीमत कितनी होगी, एक डक की निकाल लेते हैं 1/8 डॉलर्स होगी, 1/8 डॉलर्स, करेक्ट? तो अगर वो डी डॉलर्स खरीद रहा है, यानी एक डक की कीमत अगर 1/8 है तो डी डक्स की आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ डीज। तो ये आपको टोटल प्राइस आ गया, यानी 10H का प्राइस, 1G का प्राइस एंड D का प्राइस, ये टोटल हैज टू बी $100, ये आपको पता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, दिस वाज अबाउट द अमाउंट। दूसरी इक्वेशन बन सकती है दोस्तों नंबर्स पे। नंबर्स आपको पता है कि अगर H नंबर हॉर्सेस के हैं, G नंबर्स ऑफ गोट्स के हैं, D नंबर्स ऑफ डक्स के हैं, तो ये टोटल 100 होगा, राइट? नाउ यू कैन डू वन थिंग। तो नंबर ऑफ डक्स जो है वो डी है, आपको पता है। तो आप अगर ये दूसरी इक्वेशन बन गई, नाउ इफ यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, एक से दो को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 9H। G1G1G कैंसिल हो जाएगा, राइट? होप यू नो इट दिस। एंड दिस विल बी +1/8 -1 D equal to 0, so this has to be 0, correct? And my standard is 0, so first solve कर लोगे तो आ जाएगा 9H equal to ये आ जाएगा -7/8 D equal to 0, ये आ जाएगा 9H is equal to 7/8 D, correct? This will be nothing but 72H is equal to 70. तो आपका हॉर्स और डी डक में रिलेशनशिप आ गया। नाउ सो ये इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे आप वैल्यू रख सकते हो, 1 रख सकते हो, अच्छी जगह 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 एन नंबर ऑफ रख सकते हो ताकि उसकी वैल्यू डी में आ जाएगी। बट यू हैव टू मेक श्योर के एच हैज टू बी लेस देन 10, करेक्ट? एंड इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 7, बिकॉज ये आप आधा हॉर्स नहीं खरीद सकते, 3/4 हॉर्स नहीं खरीद सकते, इट हैज टू बी डक हैज टू, और 1/4 डक नहीं खरीद सकते, इट हैज टू बी सम
तो अगर आप 7 रखोगे तो ये 70 टू डी वैल्यू क्या जाएगी, क्या जाएगी 72 टू डी हैज टू बी 72, डक हैज टू बी 72, राइट। अगर आप 5 रखोगे ये कटेगा नहीं, तो ये इवन और सॉरी नॉन इंटीजर या नॉन होल नंबर आएगा, बेसिकली नॉन नेचुरल नंबर आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हॉर्स हैज टू बी 7, एच की वैल्यू 7 आ गई, डी की वैल्यू 72 आ गई। देन गोर्स आपको पता है कितनी होंगी, आप सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 79 to 21 गोर्स हो सकती है। तो केवल यही आपको कॉम्बिनेशन पॉसिबल है टू फुलफिल दिस ऑल क्राइटेरिया। होप दिस इज क्लियर एंड इजी फॉर यू। सो यू कैन जस्ट रिविजिट इट, फॉर एनी डाउट्स यू कैन जस्ट मेल मी एट numbarashyara@gmail.com और यू कैन राइट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर वीडियोज, मोर लर्निंग, वी आर गोइंग टू गो इन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।